क्या आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हैं, या आपको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है, तो आप इसका क्या हल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल। और चाहे हम लड़कियों में देखें या लड़कों में देखें, हॉर्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन होता जा रहा है दिन ब दिन, जिसकी वजह से चेहरे पे बाल आना, एक्नी होना बहुत कॉमन है। और इसके साथ अगर हम दूसरा कॉमन मसला लोगों में देखें, वो ये है कि सैलेड खाना, सब्जियां खाना, हम पकी हुई क्या कच्ची तो बिल्कुल नहीं खाते। तो कच्ची सब्जियां जो हैं वो हमें फाइबर देती हैं, हमारा फाइबर इंटेक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से लोग कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। तो आप किस तरह कॉन्स्टिपेशन से भी बच सकते हैं, अपने हॉर्मोन्स को भी बैलेंस कर सकते हैं, और किस तरह हेल्दी लाइफ की तरफ एक कम बैक जो है वो हो सकता है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा ट्रस्ट है वो है मिक्स सीड्स पे। मिक्स सीड्स में इसमें क्या क्या अवेलेबल है? इसमें पम्पकिन सीड्स अवेलेबल हैं, इसमें खरबूजे के अवेलेबल हैं, इसके अंदर अलसी है, इसके अंदर सारे मिक्स जो सीड्स हैं वो आपके लिए कर दिए गए हैं। अगर आप डेली बेसिस की सिर्फ एक टीस्पून कंज्यूम करें सुबह उठते ही, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी, उसके साथ आपका हार्मोन लेवल जो है वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी लड़कियों में पीरियड्स का जो इशू रहता है, सिर्फ डेली बेसिस पे इसका एक स्पून अगर आप यूज़ करें तो आप बहुत हद तक खुद को बैलेंस आउट कर सकती हैं। बॉडी के पिंपल्स, एक्नी, चाहे बैक पे हो रही है, फेस पे हो रही है, आप उसको भी बैलेंस आउट कर सकते हैं। गर्मियाँ सर्दियाँ इसका इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल गर्म नहीं होते। अगर आप इसकी एक टीस्पून डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको पीस के दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने विटामिन्स और मिनरल्स को इनके थ्रू पूरा करें, अपने फैट को इससे पूरा करें, अपने फाइबर को पूरा करें, और हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।